गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो ये है कल का बैलून जो रुद्रांश गया था मंदिर घूमने के लिए। सो वहीं से लेके आया था, उसको अभी तक छोड़ा नहीं उसने। रात में भी लेके ही सोया था और सुबह उठते से ही उसको फिर पकड़ लिया है। वो तो अभी स्कूल जाना है इसलिए रख के जाएगा, बट उसका बस चलता तो वो स्कूल में भी लेके जाता। सो वो रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। मम्मी से ही उसको आज सारे काम करवाने, दादी आप ही रेडी करो और आप ही मेरा सब कुछ करो। सो यहाँ पे रुद्रांश की बुक्स वगैरह जो रहती है मैं स्कूल के बैग में डाल रही हूँ, एंड मम्मी यहाँ पे उसके लिए फ्रूट कट कर रही हैं, क्योंकि उसके ना दो टिफिन जाते हैं स्कूल में, एक में लंच जाता है एंड दूसरे में फ्रूट जाते हैं। सो उसके दो लंच ब्रेक होते हैं। यहाँ पे सबके लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि सैंडविच बनाया हुआ था तो सोचा वही टिफिन में रख दूंगी तो वो भी खा लेगा। और यहाँ पे मैंने उसको टिफिन में सैंडविच पैक कर दी है, और वो छोटी सी डिब्बी दिख रही है ना, उसमें मैंने उसको सॉस डाल दी है, थोड़ा सा लगेगा तो खा लेगा। और यहाँ पे ये देखिए उसका बैलून ऐसे उछल कूद कर रहा है ना, फैन चल रहा था उसकी वजह से। और यहाँ पे पापा जी जा रहे हैं रुद्रांश को स्कूल छोड़ने, क्योंकि उसकी जिद थी कि दादू आप ही चलो मुझे स्कूल छोड़ने, और जब मैं स्कूल से आऊँगा ना तो आप ही मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। सो दादू लेने भी गए एंड उसको छोड़ने भी गए। सो पापा ने यहाँ पे बैग ले लिया रुद्रांश का और पापा जा रहे हैं छोड़ने, और दादी से ही उसको आज रेडी भी होना है। सो मम्मी ने उसको शूज़ वगैरह पहनाए, और ये देखिए पापा जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। और हाँ, आज मम्मी पापा को निकलना भी है, क्योंकि पापा को ना इतनी दिन की छुट्टी नहीं थी, वो रुद्रांश के स्कूल में ना फंक्शन था इसलिए पापा और मम्मी दोनों आए इतने दूर से। बट वो ये ना इतनी छुट्टी नहीं है तो दो दो तीन दिन के लिए ही आए थे, बट आज उनको जाना है। सो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा बहुत कुछ सामान था ना, तो मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी ये साथ में ले जाओ, कुछ कुकीज़ वगैरह थी। सो ये देखिए मम्मी और मैं दोनों बैठे हुए हैं, क्योंकि पापा गए हैं रुद्रांश को छोड़ने के लिए, और इस टाइम पर रुद्रांश भी नहीं है तो कोई मस्ती भी नहीं हो रही, और मम्मी और मैं दोनों बातें कर रहे हैं एंड आराम से बैठे हुए हैं। सो अभी यहाँ पे आज मम्मी बना रही हैं खाना, क्योंकि मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ना ऐसी लग रही थी कि मैं किचन में खड़े भी नहीं हो पा रही थी। मुझे इतना तगड़ा वाला जुकाम हो गया ना कि मैं जैसे ही किचन में जा रही थी ना, मेरे तो नाक में नहीं लग जा रही थी। सो मम्मी बोलती आज खाना मैं बना देती हूँ। सो मम्मी ने पहले तो कढ़ी में छौंक लगाया, मम्मी बोलती कढ़ी बना लेते हैं तो तू भी पी लेना, थोड़ा सा नाक में अच्छा, मतलब थोड़ा सा ठीक लगेगा, गर्म गर्म पिएगी। सो यहाँ पे मम्मी ने कढ़ी छौंक दी एंड फिर रोटी वगैरह बनाई मम्मी ने, और उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी को जो टिफ़िन बनाना था ना उसकी तैयारी कर रही हूँ। सो खाना वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया था, और यहाँ पे मम्मी भी इधर उधर हो रही हैं क्योंकि मम्मी अपना टिफ़िन वगैरह लगा रही हैं ना। और फिर अभी रुद्रांश का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है तो पापा जी जाएंगे अभी उसको लेने के लिए स्कूल से। सो यहाँ पे खाना खाने के बाद मेरे से तो बैठा ही नहीं जा रहा था, सो मैं और मम्मी आके बिस्तर पे लेट गए, क्योंकि जैसे ही रुद्रांश आएगा और मम्मी पापा निकल लेंगे। सो यहाँ पे देखो दोनों की बातें चल रही है, एंड टाइम ना सच में पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। सो यहाँ पे मम्मी ने साड़ी थोड़ी सुबह सुबह जल्दी जल्दी बांध ली थी ना, तो फिर मैं मम्मी को थोड़ा सा पल्ले वगैरह ठीक कर रही थी। मैंने कहा मम्मी आपने ऐसी पहनी, पूरा पल्ला ना निकल रहा था। सो मम्मी को थोड़ा अच्छे से पिनअप कर दिया कि क्योंकि रात में फिर वो ट्रेन वगैरह में खुल जाएगी, इससे अच्छा कि अच्छे से बांध लेंगी वो। और यहाँ पे अभी ये देखिए रुद्रांश भी आ गया है, अब मम्मी पापा निकल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ने के लिए। सो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता है सर्दी हो गई है मुझे, है ना। सो चलिए मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ के आते हैं। आज उनकी ट्रेन है और 3 बजे के करीब उनकी ट्रेन है, अभी टाइम हो रहा है, नहीं 4 बजे ट्रेन है, अभी 2:30 बज रहा है। अरे मैं तो भूल गया एक चीज। क्या? चॉकलेट रखना चाचू को? हाँ। फोन पे बता देना, कहना दादू को चॉकलेट रख दिए, रास्ते में खाली होगी। ठीक है ठीक है। अरे यार झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। तो आप जब जाओगे तब ले जाना, आप जब जाओगे ना। दादू तो बोल रहे हैं दिवाली पे तब लेके आ जाना। हाँ दिवाली दिवाली दिवाली। हेलो गाइस, एलिमेंट करने वाला हूँ। यस चलने सीलिए आज हम दादू को छोड़ने जा रहे अपने घर ट्रेन से। हम नहीं जाएंगे लेकिन दादू ही जाएंगे स्टेशन पे। और क्या बहुत गए हम, थोड़ी देर और है। बाय बाय। उतरो, 4 बैग है देखना है ना। हाँ।
हाँ यही खड़े हैं, यही खड़े हैं। सो ये गए हैं मेट्रो स्टेशन के ऊपर मम्मी और पापा दोनों को छोड़ने के लिए। अब मैं इनका वेट कर रही हूँ गाड़ी के पास। सो ये आएंगे फिर उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। ये ऊपर तक छोड़ने के लिए गए हैं, इनके साथ साथ रुद्रांश भी गया है। दादू से ना उसको बहुत ज़्यादा लगाव है, दादू एंड दादी से, बच्चों का रहता है अपने दादू दादी नानू नानी, तो वो गया है ऐसा लग रहा था उसको। जब तक दादू ट्रेन में नहीं बैठ जाते तब तक मैं उनके साथ ही रहूँगा। इस वाले रस्ते से तो फंसने से तो बेटर है। आपको दादी की वाली और दोनों को मुझे दादू की वाली। क्यों आपको दादी की याद क्यों नहीं आ रही? सब दोनों की वाली, लेकिन दादू में मांगने लेके आते थे ना मेरे लिए, तो दादू की ज्यादा आ रही। हाँ ओके, दादी की थली ये नहीं है यार, इतना ट्रैफिक क्यों, इतना देखना फालतू। गलत नहीं ले रहा हूँ ना मैं, एक भी टर्न गलत नहीं लिया, तुम्हें भी तो सोचो। सो ये छोड़ा है मम्मी पापा को मेट्रो के अंदर, दादू की याद आ रही है। अच्छा क्या किया जाए फिर, अब दादू की याद आएगी। ऐसा लग रहा दादू है 100 दिन के लिए छुट्टी ले ले अपने ऑफिस। पहुंचते हैं घर और पता है मैंने इसके बाद ना कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कैमरा फेस कर पाऊँ, और ना तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों बताना ज़रूर, एंड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।